देश के मशहूर कव्वाल एहसान भारती का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार को लंबी बीमारी के चलते कव्वाल एहसान ने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत को काफ़ी बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि एहसान भारती ने अपनी आवाज़ में दम पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। मुजफ्फरनगर के शहपुर कस्बे के रहने वाले एहसान भारती के पिता अशफाक मोहम्मद उर्फ खुसानी कव्वाल भी लगभग 6 वर्षों तक दिल्ली में रहे थे। उनके साथ एहसान भारती भी दिल्ली जाकर रहने लगे। शाहपुर में ही बचपन उनका बीता। एहसान भारती बचपन से ही जादुई आवाज़ के लिए मशहूर थे। दिल्ली जाकर एहसान भारती ने अपनी सुरीली आवाज़ में दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपनी आवाज़ से सभी लोगों को अपना दीवाना बनाया। मुंबई में एहसान भारती को काफ़ी लोग जानते हैं। आपको बता दें कि एहसान भारती पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। बुधवार को उनका निधन हो गया। उनके निधन से न सिर्फ दिल्ली वाले लोगों को बल्कि मुंबई वाले कई मशहूर लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। शाहपुर में रहने वाले उनके दोस्त ने बताया कि एहसान भारती मुहर्रम के मौके पर शाहपुर आया करते थे और रात के वक्त संगीत का प्रोग्राम किया करते थे। आपको बता दें कि एहसान भारती को लेकर एक चीज़ जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मशहूर थी वो थी उनके गले की आवाज़। उनकी आवाज़ के सभी दीवाने थे क्योंकि उनकी आवाज़ में जादू था। एहसान भारती सूफी स्टाइल के सिंगिंग के लिए जाने जाते थे। भारती ने 1990 में आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में भी गाना गाकर सभी को रोने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।